दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचल, सभी का स्वागत करता हूं वेलकम बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप यहां पे बाइनेंस फ्यूचर के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा और जितना अंतर पे आप इसको यहां पे फिट करोगे, उतने अंतर पे ये भी प्राइस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और आपको यहाँ पर एक सेफ्टी देगा। क्योंकि अभी तक हम जब ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमने 9000 के ऊपर एंट्री करी और हमारा स्टॉप लॉस है 9500। अब भले यहाँ से प्राइस 10000 ही क्यों ना चले जाए, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस फिर भी 9500 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है, सॉरी 8500 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमें ये प्रॉफिट देता है कि अगर हमने 9000 पर एंट्री करी, हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 8500 पर है और वहाँ से प्राइस अगर 10000 चले जाएगा, तो हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 8500 से उठ के 9500 पे आ जाएगा। तो ये पूरा की पूरा एक प्रोसेस होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, और ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। यानी कि जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हो, चाहे फिर वो लॉन्ग का हो या फिर वो यहाँ पे शॉर्ट का हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसी डायरेक्शन में काम यहाँ पे करने वाला है। और एक बार ये जहाँ पे फिट हो गया, मान लो कि 8500 से अगर ये 9500 आके फिट हो गया, तो ये फिर नीचे की तरफ नहीं जाएगा। भले ही प्राइस नीचे आएगा तो ये हिट हो जाएगा और आपके ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर देगा। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि आखिरकार ये किस तरह काम करना है और हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट 20 में 2020 तक है। तो अगर अभी तक आपने इसको अवेल नहीं कराए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixel@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptovale के ऊपर। दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है, तो आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप सिंगल कुछ अर्न करना चाहते हो तो भी आप मुझे यहां पे डायरेक्टली कांटेक्ट यहां पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने बाइनेंस के अकाउंट के ऊपर। यह है दोस्तों हमारा बाइनेंस का अकाउंट, जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपका बाइनेंस के ऊपर कोई अकाउंट नहीं है, तो आपको वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप अपना बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड अप टू 40% तक फीस के अंदर ऑफ भी वहां पे पा सकते हैं। बाइनेंस फ्यूचर अगर आपको चलाते नहीं आते, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखा है, आप ऊपर आई बटन में जाइए, वहां जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यहां पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्केट में और यहां पे हम लोग डाल देते हैं लगभग 0.01 BTC का एक लॉन्ग का ट्रेड, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। और यहां पर हमारा जो ट्रेड है वो इनिशिएट यहां पे हो चुका है। अब हमें यहां पे जाना होगा ऊपर की तरफ, जहां पे आपको यहां पे स्टॉप लिमिट लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहां पे क्लिक करना है और इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, या ट्रेलिंग स्टॉप आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। इसमें आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, सबसे पहली जो वैल्यू है वो है कॉल रेट। कॉल रेट में आपको यहाँ पे साइड में 1 और 2% मिलेगा, आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और कॉल रेट में आप मैक्सिमम 5% तक का कॉल रेट इस यहाँ पे रख सकते हो। कॉल रेट का मतलब ये होता है कि आपने जहाँ पे भी एंट्री ली है उससे कितना परसेंटेज ऑफ नीचे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे फिट हो जाना चाहिए। तो जैसे मानिए मुझे 2% नीचे रखना है अपनी जो भी एंट्री प्राइस आनी है वहाँ से, तो मैं इसको फिट करूंगा। इसके बाद एक्टिवेशन प्राइस को आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो, अगर आपको करेंटली अभी मार्केट के नीचे यहाँ पे प्राइस लगाना है, और डायरेक्टली अमाउंट में आपको जितने का भी लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी ली थी 0.01 की, तो आप यहाँ पे 0.01 डाल दो और शॉर्ट का बटन यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आप ये करोगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है, जिसका कॉल रेट 2% है और इसकी जो एंट्री प्राइस आई है वो आई है 9748 और अभी करेंटली प्राइस में यहाँ पे 9748 के आसपास ही चल रहा है। तो इसको हमने जो ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ने से बाइनेंस ये समझ लेता है कि हाँ, आप अभी करंट प्राइस के आसपास इसको लगाना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं और आपको ये लगता है कि मुझे अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्राइस किसी भी कारण से 9900 पार करता है, तो शायद मैं वहाँ पे 2% नीचे स्टॉप लॉस यहां पे लगा लूं, जो कि ट्रेलिंग रहेगा। तो आपको एक्टिवेशन प्राइस में डालना है 9900 का रेट, और ये डालने के बाद आप यहां पे अपनी क्वांटिटी डाल सकते हो, कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, और यहां से आप अपना कॉल रेट सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद ओपन शॉर्ट करके आप अपना एक ऑर्डर यहां पे लगा सकते हो। तो अब आप देखो, आपका एक्टिवेशन प्राइस 9900 है, यानी कि जैसे ही प्राइस 9900 को हिट करेगा,
वैसे ही आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है यानी कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 2% नीचे उस प्राइस से यहाँ पे लग जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको इसमें फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।